लकड़ी माफियाओं द्वारा रात्रि में अवैध रूप से बाइक से सागवान की सिल्लियों का अवैध परिवहन करने की जानकारी मुखबिर द्वारा बागली वन विभाग को मिली थी, जिसके पश्चात बागली फॉरेस्ट SDO अमित सोलंकी निर्देशन एवं रेंजर गजानंद बिरला के मार्गदर्शन में टीम द्वारा कार्यवाही की गई, जिसमें बागली के ग्राम अमरपुरा की काली सिंध नदी के पुल पर घेराबंदी कर 4 बाइक सहित सागवान की 14 सिल्लियां जब्त की गई। कार्यवाही के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से फरार हो गए। साथ ही इस दौरान आरोपियों द्वारा वन विभाग की टीम पर पथराव भी किया गया। इस दौरान वन अमले द्वारा बचाव के लिए हवा फायरिंग की गई। जब्त की गई सामग्री की कीमत 1,00,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं वन विभाग ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। कल रात 17 अप्रैल को रात्रि में मुखबिर की सूचना मिली थी कि अमरपुरा क्षेत्र से कुछ गाड़ियां निकलने वाली है अवैध परिवहन की। तो DFO साहब के मार्गदर्शन में, SDO साहब के निर्देशन में वन विभाग बागली का स्टाफ अमरपुरा क्षेत्र में घेराबंदी की और वहाँ पर 4 गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और 14 सिल्लियाँ जब्त की गई। लकड़ी चोरों द्वारा स्टाफ पर पथराव किया गया है और मौके का फायदा उठाकर चोर वहाँ से भाग गए और लकड़ी और मोटरसाइकिल वहीं पर छोड़कर भाग गए। क्या कीमत है? लकड़ी की कीमत अनुमानित 23,000 से 24,000 रुपये है और 4 बाइक की कीमत 20,000 भी पकड़े तो 80,000 रुपये के लगभग 1,00,000 टोटल की जब्ती की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।